हेलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में सीखेंगे रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। कैसे रैशनल नंबर्स निकालते हैं दो नंबर्स के बीच में, वो हम लोग आज क्या करेंगे सीखेंगे। इससे पहले मैंने नंबर सिस्टम की वीडियो डाल दी थी, आप लोग चाहो तो जाके चैनल पे देख सकते हो। नंबर सिस्टम को मैंने क्लासिफाई किया था कि कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं, वो चाहो तो आप जाके देख सकते हो। आइए आज देखते हैं कि दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर कैसे निकाला जाता है। तो देखते हैं क्या है। एक क्वेश्चन है, फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 एक दो नंबर्स हैं, दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना हमें। क्या हो, कैसे निकालेंगे, तो सिंपल प्रोसेस है। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, हमें क्या करना है, जो दो नंबर्स हैं 3 एंड 4, दोनों को पहले क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। आप जोड़ रहे हो, जोड़ने के बाद आपको 2 से उस नंबर को डिवाइड कर देना है। यानी क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस 4 आपका 7/2 या 3.5 भी आप डेसिमल में इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या आ गया आपका, 3 और 4 के बीच में दो रैशनल नंबर्स कौन से आए, 7/2 एक ऐसा रैशनल नंबर है जो 3 और 4 के बीच में लाई करता है। ठीक है ना, तो ये एक टाइप का सवाल है कि दो नंबर के बीच में कोई रैशनल नंबर निकाला। इसी तरह अगर दे दिया हो आपका 3 तो लिख दिया हूँ ऑलरेडी, आप मानिए 5 एंड 10 के बीच में कोई रैशनल नंबर बताना है, तो आप क्या करोगे, दोनों को जोड़ दो, क्या हो जाएगा 5 प्लस 10/2 और 2 से फिर उसको डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15/2 या 7.5। तो ये 7.5 एक रैशनल नंबर है जो कि 5 और 10 के बीच में, कोई भी दो नंबर्स के बीच में अगर आपको रैशनल नंबर निकालना हो तो उन दोनों नंबर्स को जोड़ के आप 2 से डिवाइड कर दो तो आपको एक नंबर मिलेगा, वही नंबर क्या होगा, दोनों का बीच का एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, एक टाइप तो ये हो गया। आइए देखते हैं दूसरे टाइप में, दूसरे टाइप में क्या होता है। तो दूसरे टाइप में जैसे मान लीजिए एक तरह का क्वेश्चन और आप बनता है, जब नंबर्स किस में दिए हों, फ्रैक्शन में दिए हों। जैसे द फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन, या मैं नंबर्स इरेज कर दे रहा हूँ, देखिए फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 2/2/3 एंड 5/11। ठीक है, दो फ्रैक्शंस हैं, 2/3 है और 5/11 है, दोनों के बीच में हमें रैशनल नंबर निकालना है। फाइंड 4 रैशनल नंबर, कितने रैशनल नंबर निकालने हैं हमें, 4 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, किसके बीच में, 2/3 और 5/11 के बीच में। तो हम कैसे निकालेंगे इसे, तो इसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम लिखेंगे दोनों फ्रैक्शन को। सॉल्यूशन क्या होगा, जो सॉल्यूशन होगा, पहले हम दोनों फ्रैक्शन को लिखेंगे, 2/3 एक है, दूसरा क्या है 5/11। फिर देखेंगे कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है दोनों फ्रैक्शन का वो सेम है कि नहीं। तो आप देख रहे हो एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 3, दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 11 है, यानी दोनों सेम नहीं है, तो पहले सेम बनाएंगे। सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमें दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, किसका, फ्रैक्शन पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का और दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का, यानी 3 एंड 11 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 एंड 11 का एलसीएम क्या होगा, तो आप जानते हो 3 एक प्राइम नंबर है और 11 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो दो प्राइम नंबर्स का एलसीएम क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट होता है, यानी 11 × 3 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 33 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा किसका, 3 और 11 का। यानी हमें क्या करना है, दोनों फ्रैक्शन के बेस या डिनोमिनेटर को 33 बनाना है दोनों फ्रैक्शंस का। तो मैं आप देख सकते हो कि पहला फ्रैक्शन जो 2/3 है उसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो 33 हो जाए। तो आप देख रहे हो कि पहले फ्रैक्शन में हमें 2/3 है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें ऊपर और नीचे दोनों में 11 से मल्टीप्लाई करना, ऊपर नीचे मतलब न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब क्या होगा, तब ये फ्रैक्शन आपका, इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो 33 होगा। आप देखो 11 2 22 और 11 3 33,
यानी ये फ्रैक्शन जो बन गया 22 अपॉन 33, ऐसे ही दूसरे फ्रैक्शन में हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 33 बनाना है इसके डिनोमिनेटर को, तो यहाँ पे 11 ऑलरेडी है यानी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं 3 से डिनोमिनेटर में करूँगा तो न्यूमरेटर में भी हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वैल्यू चेंज ना हो। मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया ये 5 3 15 हो गया, 11 3 33 हो गया। अब ये रैशनल नंबर्स आ गए 22 अपॉन 33, 15 अपॉन 33 है, ये यही रैशनल नंबर्स दोनों की, अगर मैं दोनों को सॉल्व करूं तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब आप देख सकते हो दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया है, सेम हो गया। अब हमें कितना रैशनल नंबर निकालना है, 4 रैशनल नंबर निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ अब क्या करना है, 4 रैशनल नंबर निकालना है, तो हम क्या करेंगे दोनों फ्रैक्शन में 5 मल्टीप्लाई इन बोथ द फ्रैक्शंस, दोनों फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें कितना रैशनल नंबर निकालना है, 4 रैशनल नंबर निकालना है, उसमें एक जोड़ के हम क्या करते हैं, दोनों जो फ्रैक्शंस आए हैं हमारे उसमें हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी हम 22 बाई 33 में मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे 5 से। क्यों कर रहे हैं ऊपर नीचे, ताकि वैल्यू चेंज ना हो। और ऐसे ही हम 15 अपॉन जो 33 है उसमें भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से ऊपर नीचे। क्या हो जाएगा ये, आप मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 22 5 आपका कितना होता है 110 होता है, और 33 5 क्या होता है 115 होता है। फिर ये क्या हो जाएगा 15 5 75 और 33 5 कितना होता है, सॉरी माफ करिएगा 33 5 क्या होगा, तो आपका 33 5 मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए 33 × 5 5 3 15 5 3 15 + 16 165 क्या आएगा, 165 आएगा। ठीक 75 का ये भी 165 आएगा क्योंकि 33 × 5 है। अब आप देख रहे हो दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर भी सेम है। अब हमें कितना नंबर्स निकालने हैं, तो 4 निकालने हैं। आप यहाँ से 4 क्या अनलिमिटेड निकाल सकते हो, ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो 4 से ज़्यादा भी रैशनल नंबर्स निकाल सकते हो। एक रैशनल नंबर क्या हो जाएगा 76 अपॉन 165, दूसरा क्या हो सकता है 79 अपॉन 165, ठीक, तीसरा क्या हो सकता है 83 अपॉन 165, ठीक है, चौथा आप लिख सकते हो 88 अपॉन 165। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, जितना चाहो उतना रैशनल नंबर्स निकाल सकते हो दोनों फ्रैक्शंस के बीच में। तो ये रैशनल नंबर्स होंगे किसके किसके बीच में, ये जो रैशनल नंबर्स आए हैं वो किसके बीच में, 2/3 और 5/3 के बीच में रैशनल नंबर्स हैं। इस तरह हम क्या करते हैं दो फ्रैक्शंस के बीच में जितना रैशनल नंबर पूछा हो उतना रैशनल नंबर हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। ये प्रोसेस है, एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है। पहले क्या करना है, पहले दोनों फ्रैक्शंस को लिखना है और चेक करना है कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है कि नहीं। तो आप देखोगे यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम देखेंगे, दोनों क्या है प्राइम नंबर्स हैं इसलिए एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट होगा, तो दोनों का प्रोडक्ट 33 आया है, यानी हमें दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो 33 बनाना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले फ्रैक्शन में हमें 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। क्यों दोनों में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज ताकि वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है, वैल्यू में कोई डिफरेंस ना हो। ठीक इसी तरह मल्टीप्लाई करने पर दोनों में क्या हो जाएगा 22 अपॉन 33, और दूसरा जो फ्रैक्शन है 5/11 उसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि जो उसका डिनोमिनेटर है वो 33 आ जाए। तो आप देखोगे हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, कि 11 ऑलरेडी है, तो 3 से हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 15 अपॉन 33। यहाँ पे अब चाहो तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से आप देख सकते हो कि दोनों के बीच में काफ़ी गैप है, दोनों के न्यूमरेटर्स के बीच में काफ़ी गैप है, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो कि अब 4 ही हमें निकालना है, तो पहला क्या हो सकता है 16 अपॉन 33, ठीक, दूसरा क्या हो सकता है 17 अपॉन 33, तीसरा क्या हो सकता है 18 अपॉन
33, चौथा 19 अपॉन 33, ठीक है ना। ये भी आपके रैशनल नंबर्स होंगे किसके बीच में, इसके इसके बीच में। ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है, दोनों सही है। ये तो डिपेंड करता है कि दोनों के बीच में प्रॉपर गैप होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि दोनों के बीच में गैप नहीं होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, जो रैशनल नंबर जितने निकालने होते हैं उसमें एक जोड़ के फिर से उसके फ्रैक्शन के न्यूमरेटर, पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जिससे क्या होता है दोनों के बीच में काफ़ी गैप आ जाता है और हम रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। यहाँ हम लिमिटेड निकाल सकते हैं, आप देख सकते हो 16, 17, 18, 19। दूसरा क्या हो सकता है 20 अपॉन 33। तीसरा क्या हो सकता है 21 अपॉन 33। चौथा दिया ही हुआ है, यानी हम इसके बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6 रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। अगर बाय द वे 7 पूछ लिया तो हम क्या करेंगे, फिर 7 में एक जोड़ के फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, और इस प्रोसेस से हम क्या करेंगे इसको निकालेंगे। तो ये प्रोसेस है दो रैशनल नंबर्स के बीच में, बीच के रैशनल नंबर्स को निकालने का, जितना पूछा जाए। अगर 4 पूछा, 4, 5, 6 जितना भी पूछे उसको हम कैसे निकालते हैं। अच्छा, दो सिंपल नंबर्स दिए हो या रियल नंबर्स दिए हो तो दोनों के बीच में, अगर या सिंपल क्या फ्रैक्शन में भी दिया हो तो दोनों के बीच में एक निकालने का प्रोसेस क्या, अगर पूछ लेता यही 2/3 और 5/11 के बीच का एक रैशनल नंबर बताइए, तो फिर हम क्या करते, तो हम लोग का प्रोसेस ये होता, हम क्या करते दोनों को क्या करते जोड़ लेते, यानी 2/3 प्लस 5/11 कर लेते और उसको 2 से डिवाइड कर देते। तो देखते आप क्या होता, यहाँ पे 33 हो जाता, यहाँ पे 22 और यहाँ पे 15/2 हो जाता। इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा 66 और ये हो जाएगा 37, यानी 37/66 एक फ्रैक्शन होगा जो दोनों फ्रैक्शंस के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना। यानी कि ये अगर एक फ्रैक्शन, एक रैशनल नंबर निकालने के लिए बोला दो रैशनल नंबर्स के बीच में, तो हम ये प्रोसेस करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और फिर दोनों को जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, एक रैशनल नंबर आ जाएगा दो रैशनल नंबर्स के बीच में। ये आपके पहला जो एक्सरसाइज है उसमें यही दिया है कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालने का कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको बता दिया है। आप चाहो तो पहला एक्सरसाइज लगा सकते हो, उसमें लगाने के बाद जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं या नहीं समझ में आ रहे हैं उसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेजिए, आपको सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड किया जाएगा, समझाया जाएगा, या मैं चाहूँगा तो डिटेल वीडियो बना दूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।